हेलो गाइस, हम ड्राइव करेंगे होंडा सिटी 2013। जो फर्स्ट होंडा सिटी थी वो 1998 में लॉन्च हुई थी और ये थर्ड जनरेशन का मॉडल है। इस कार का एक्सीडेंट हुआ था और पीछे से शेप काफ़ी ख़राब हो गई थी और आप देख सकते हैं अब ये कैसी लग रही है। सबसे पहले हम इसका वॉक अराउंड लेंगे और फिर बात करेंगे इसके इंटीरियर की। इंटीरियर की बात करते हैं तो बैक सीट में लेग रूम थोड़ा कम लगेगा, जो कि मेरी हाइट की वजह से मुझे लग सकता है। बात करते हैं ड्राइविंग साइड की। डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छा दिया हुआ है और ग्लव बॉक्स में स्पेस थोड़ा कम लगता है। इसमें हाइपरसोनिक स्क्रीन लगी हुई है जिसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा। स्टेयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी लुक्स देता है और एक अच्छा फीचर क्रूज कंट्रोल का है जिसमें हाईवे ड्राइविंग के लिए काफ़ी काम आता है। बात करें इसके इंजन की, इसमें CNG फिट है और ये 1500cc का इंजन है। एग्जॉस्ट इसमें साइलेंसर हाउस से लगवाया हुआ है, इसकी साउंड आपको मैं सुना दूँगा। एलॉयज़ इसमें 16 इंच के लगे हुए हैं। बात करें इसकी ड्राइविंग की, होंडा क्लास की गियर शिफ्टिंग हमेशा से अच्छी हुई है और एसिंग की कूलिंग भी अच्छी दे रखी है। सस्पेंशन की बात करें तो आपको हॉट होल्स या गड्ढे वो फील हो सकते हैं और थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता है। जब गाड़ी में 4 या 5 लोग बैठे हों तो आपको ब्रेक पर देख के निकालनी पड़ती है। हाई स्पीड पर काफ़ी स्टेबल रहती है और रोड से कनेक्टेड होकर चलती है। ब्रेक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रखी है और ब्रेक का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। होंडा सिटी रिलायबल, पावरफुल, बिल्ड क्वालिटी तीनों में अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो ड्राइविंग और एग्जॉस्ट साउंड की है।